ऊपर तो काफी सामान है आपके हैं, ये सब काठिया ही काठिया है ना। हाँ। तो एक ये बार मतलब ये देखिए ये जो दिखाई थी मैंने दुकान पे जो शादी बारात मतलब वाले के मतलब की नॉर्मली राइडिंग की। अच्छा अच्छा। और ये है जो वेस्टर्न सिंथेटिक वेस्टर्न है ये। ओके। और सॉफ्ट और लाइट वेट हल्की है बहुत है ना। हाँ। एक इसी में आती है तो ये इसकी क्या रेट होगी सोनू भाई? सर ये 4500 रुपये। 4500 रुपये की है। इसी में एक आती है ये लेदर की। अच्छा ये लेदर की है प्योर जी। इसकी क्या रेट है? इसकी क्या रेट है? 6500 की। 6500 की वेस्टर्न बोलते हैं इसको। वेस्टर्न से नहीं। और ये आती है इंडियन आर्मी सैडल। अच्छा जो आर्मी वाले यूज करते हैं। ये कितने की है? होती है ये। कितने? 6500 रुपये की है। प्योर चमड़ा रहता होगा है ना। और ये होती है स्टॉक सैडल। ये किस काम में आती है? अच्छा अच्छा। वो नीचे वाली को अमेरिकन बोलते हैं वेस्टर्न को। हाँ। पर इसको ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन जी। ऑस्ट्रेलियन के नाम क्या नहीं ऑस्ट्रेलिया से बन के आती है क्या? नाम रख रखा है। ज्यादा चलती है ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा चलती है। तो अपने इंडियन लोग यूज में लेते हैं इसको? हाँ सर लेते हैं। लेते हैं हाँ। यानी घोड़े राइडिंग वगैरह के हिसाब से। बिल्कुल। इसका क्या प्राइस होगा अभी? सर ये तो 10000 की है पूरी कंप्लीट। 10000 की है। और ये आती है जो रेसास। अच्छा। रेसास सैडल बोलते हैं इसको। ओके। ये भी 6500। ओके। अब ये है लेदर पे जंपिंग सैडल। अच्छा जंपिंग के लिए जी। जो जंपिंग वगैरह में जो ये लोग यूज करते जी, हैं जी। तो इसकी क्या प्राइस होगी? सर ये 3500 रुपये की है। 3500 रुपये की है। ये है रेसिंग सैडल। अच्छा रेसिंग के लिए जी। जो इंग्लैंड वगैरह में चलती है। हाँ। वो चीज है ये। वैसे हर चीज के लिए अलग अलग सडल आती है पर ये बात अलग है कि लोग हर चीज में एक सडल यूज कर लेते हैं। हाँ, हाँ। और देखिए वो अपने बजट के हिसाब से कर लेते हैं। बजट के हिसाब से है ना। हाँ। इसका क्या प्राइस है सोनू भाई? सर ये तो 14-15000 की आकर के कंप्लीट पड़ती है ये। अच्छा पूरा और भी कुछ इसमें आता होगा सामान? कुछ आता है इसका। लाइट वेट होता है सारा। और केवल ये रेसिंग में ही काम आती है। जो मतलब गेम बड़े बड़े गेम खेले जाते हैं रेसिंग में। खाली रेसिंग के लिए ओनली? बिल्कुल। ओके। इस पे बैठा नहीं जाता है सर। बैठा नहीं जाता। रेसिंग के अंदर खड़े खड़े राइडिंग करी जाती है। ओके। और ये है जो सोनू भाई अगली सैडल क्या दिखा रहे थे आप? मैं ये दिखा रहा था ये ऑल पर्पज सैडल है। ऑल पर्पज यानी कि किसी भी काम में ले सकते हो। राइडिंग भी काम आएगी पोलो भी काम आएगी जंपिंग भी काम आएगी। ओके ठीक है। ये मारवाड़ी के भी लग सकती है थोरो ब्रेड के भी लग सकती है और इंग्लिश घोड़ों में भी लग सकती है। नुकरों के भी लगा लो। हाँ। किसी पे भी लगा लो। किसी पे भी लगा लो। ये भी प्योर चमड़ा है ना? हाँ सब ये प्योर चमड़ा होता है। चमड़ा होता है। तो इसका क्या रेट वगैरह है? सर ये पड़ती है 13000 की कंप्लीट। 13000 की कंप्लीट पूरा सामान। हाँ वगैरह है ना। काफी आइटम लगता है इनमें। चेस्ट बेल्ट वगैरह है वो पैरों के चढ़ने का ऊपर सब कुछ है ना। ये है बच्चों की छोटी काठी है ना। हाँ, छोटी काठी बच्चों के लिए। इसमें ऊपर के लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है क्या? नहीं लकड़ी नहीं होती इसमें फाइबर होता है। फाइबर होता है। हाँ, इसमें लकड़ी लगी नहीं सकती। तो इसकी क्या प्राइस होगी? सर ये 3500 रुपये की है। 3500 रुपये की। और बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा कितने साल का। अच्छा, उसी हिसाब से मतलब आप जैसे नीचे पूछ रहे थे ना मेरे से कि भाई बच्चों के लिए अलग काठी होती है क्या। तो वो बच्चों के काम में भी मतलब अब जैसे मैं हूँ मैं ले सकता हूँ इसको। हाँ। तो मैं मेरे बच्चों को दिला सकता हूँ। बिल्कुल। कोई नहीं दिला सकता तो वो तो ये बच्चों के हिसाब से भी काम में आ जाएगी। ये है अमेरिकन सेल। अमेरिका थोड़ी ये यूनिक लग रही है ना। हाँ। ऐसा करके दिखाना जा रहा है इसको। इसको तो कोई आदमी जो जिसको शौकीन आदमी है वही खरीदते होंगे अधिकतर। हाँ, ऐसी सेल है तो शौकीन ही खरीदते हैं। ये 17000 की कंप्लीट होगी। कितने की? 17000 की। ओके।
एक ये है बच्चे की जंपिंग में, बच्चे की है ना छोटी जंपिंग के अंदर। ये भी चमड़ा है? हाँ। इसकी क्या प्राइस होगी? 3500 रुपए की। 3500 रुपए। हाँ, इसमें मतलब देखो जो ये है मतलब ये 3500 की है, कोई 6500 की बताई मैंने आपको, और ये 13000 की बताई ऑल पर्पस। अपने पास में वैसे कितने से लेके कितने तक की सैडल है सोनू भाई? सर 25000 तक की सैडल है। 25000 तक की? हाँ। अच्छा, एक बार 25000 वाली दिखाओ ना, कौन सी है, होगी अपने पास अभी? हाँ हाँ है, सडल भी इतनी है, वो ध्यान ही नहीं रहता नहीं सर है, वो समझ में नहीं आ रहा ना, रखी होगी। चलो इजली मिले तो दिखाओ ना, कोई बात नहीं। वो तो अर्जेंटीना पोलो सडल होती है। अच्छा, वो इन सडलों से थोड़ा सा यूनिक भी दिखती होगी है ना? यूनिक तो नहीं, मतलब इससे कुछ अलग खूबसूरत दिखती है, दिखने में खूबसूरत है ना, उसी का पैसा है। बिल्कुल, कारीगरी थोड़ा अच्छे से की गई, मजबूत होती है, मजबूत ज्यादा रहती है, प्योर चमड़ा रहता होगा, प्योर चमड़ा रहता है, उसका सारा सामान चमड़े में बनता है। और ये है जो ये सर्दी के ब्लैंकेट है, ये किसके हिसाब से? ये स्ट्रैप है। अच्छा अच्छा, वो चढ़ने के लिए है ना? हाँ, ये रेगुलर यूज के हैं, ये पोलो के हैं। ये कितने का आता है जोड़ा? ये हाँ 400 रुपए का। और ये वाला? ये तो 1300 रुपए का जोड़ा। 1300 रुपए का जोड़ा है। इसमें हल्का भी आता है क्या कोई? ये कितने का जोड़ा है? 350 रुपए। 350 रुपए का। ये है 300 रुपए। ये प्लास्टिक में है ना? प्लास्टिक में। प्लास्टिक सही रहता है कि ये लोहा सही रहता है? सर देखिए, वैसे तो मजबूती है जो लोहे में ही है। हाँ, लोहे में ही है। ठीक है, अब ये तो क्या है, मतलब लाइट वेट के हिसाब से और खूबसूरती के हिसाब से बना दिया गया है, है ना, थोड़ा यूनिक लगता है कलर। ये किसी को लगे भाई खूबसूरत भी है और लाइट वेट भी। लाइट वेट भी, वजन नहीं डालता है अपने। और ये है हूफ क्लीनर। अच्छा, यानी कि वो घोड़े के नीचे कचरा वचरा फंस जाए तो उसको साफ कर सकते हैं। ये कितने रुपए का है? 250 रुपए। 250 रुपए का। ये क्या घुंघरू है क्या? हाँ, ये पैरों के घुंघरू है जो आगे घोड़ी नाचती है। अच्छा, नाचने वाली घोड़ियों के लिए। ये कितने का है? 450 का। ये चमड़े में ही है क्या? हाँ, ये चमड़े में बना रखा, पूरा चमड़े में बना रखा। हाँ, पीतल के घुंघरू है। ये ऊपर क्या चीज है? और ये तांगे के मोहरे हैं ये सर। ये अच्छा, ये जो अंदर रखा हुआ है जो ये सब यही है ये। अच्छा, ये प्लास्टिक। हाँ, वाले प्लास्टिक वो काले वाले। कलर में, ये थोड़े कलर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाकी सोनू, ये क्या वो सडल के नीचे लगने वाली है? हाँ, ये सडल पैड होता है सर। ये देखिए, ये सडल पैड होता है। इसका क्या प्राइस है? 450। 450 रुपए का। ये सडल के नीचे लगता है। इसमें भी कलर बहुत आ जाते हैं ना? हाँ, कलर बहुत आते हैं इसमें, ये सब कलर रखे हैं इसके। देखिए, काला, नीला सब। हाँ, है ना, नीला है। और ये सडल, ये जो है कवर, ये कितने से कितने तक आते हैं, यानी कि कितने रुपए से कितने रुपए तक मिल जाते हैं अपने पास में? सर वैसे तो देखिए, अगर देखा जाए तो 300 रुपए से स्टार्ट होकर के और 700-800 रुपए तक का है। 700-800 रुपए तक का। और ये सर्दी के हिसाब से झोल, जो घोड़े का ब्लैंकेट होता है, जानवर बाहर खड़ा रहे तो ओस में भीगेगा नहीं, तो पूरा फुल जानवर कवर हो जाता होगा ना? पूरा जानवर कवर हो जाता है इसमें। ये कितने का है? प्राइस की बात करें तो सर ये 1400 रुपए का है। 1800 का। ये थोड़ा सा हल्का सा अंदर कपड़ा लगा हुआ है इसमें, इसलिए ना थोड़ा कपड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये है जो तांगे की काठियां है। तांगे की, ये तांगे की काठियां किस रेट की है? सर ये 1500 रुपए की है। 1500 रुपए की। हाँ, वैसे तांगे वाले भी आते हैं क्या अभी भी? हाँ, जयपुर में तो चलते हैं सर, मेरे को लगता है हवा महल वगैरह पे है ना, कम चलते हैं, बाकी चलते हैं थोड़े बहुत चलते हैं। और ये वैसे ज्यादातर हमारी बाहर जाती है। बाहर जाती है, यानी कि विदेश वगैरह, नागौर। अच्छा, उधर की तरफ थोड़ा ज्यादा चलते हैं इसलिए।